अफ्रीका में एक सरदार था, एक किंग था, एक ट्राइब का राजा था, और वो राजा बड़ा कट्टर था। वो राजा करता क्या था कि जब भी उसे पता लगता था कि किसी ने उसके साथ गलत किया, तो वो जंगली कुत्तों के सामने उस व्यक्ति को क्या करता था, डाल देता था जंगली कुत्तों के सामने। तो एक बार उसके लिए सेवा करने वाला, 10 साल सेवा करने वाला एक व्यक्ति उसके पास आया, और उसने क्या किया, बोला राजा को कि जो आप कर रहे हो वो गलत है, या ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो राजा ने क्या किया, आपको पता है, राजा को बुरा लग गया। तो राजा ने क्या किया, उस व्यक्ति को पकड़ा और ये ऑर्डर दे दिया कि इसको कुत्तों के बीच में, जंगली कुत्तों के बीच में डाल दो। उसको पकड़ लिया, उसको डालने गए तो उससे पूछा, तेरा आखिरी इच्छा क्या है? उसने बोला, मेरा आखिरी इच्छा ये है कि मरने से पहले इन जंगली कुत्तों की मैं सेवा करना चाहता हूं। 10 दिन में इनकी सेवा करना चाहता हूं। वहां बैठे हुए सारे के सारे सेवक हंसने लगे, राजा भी हंसने लगा। वो गया और हर दिन वो जाकर, पहले दिन गया, उन कुत्तों को खाना खिलाया, उनकी सेवा की। दूसरे दिन गया, उन जंगली कुत्तों की सेवा किया। चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां दिन, आठवां दिन उन कुत्तों के पास गया और उनकी सेवा की। 10 दिन तक उनका सेवा किया, उन्हें खिलाया, उनको प्रेम किया, मांगने से ज्यादा उन्हें दिया। 10वें दिन के बाद उसे पकड़ा और राजा ने जंगली कुत्तों के बीच में उसे डाल दिया। जब उसे जंगली कुत्तों के बीच में डाल दिया तो सारे के सारे जंगली कुत्ते आमीन वहां पे खड़े हो गए, आमीन, और उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि वो सब आए उसके पास और उसके पैरों के पास आकर बैठ गए और वो उसे प्यार करने लगा। राजा चौंक गया, बोला ये कैसे हुआ? तो उसने बोला, ये ऐसे कि मैंने जब इन कुत्तों को 10 दिन इनकी सेवा की, इन्हें खाना दिया, तो इन्होंने मुझे काट कर नोचा नहीं, ये मेरे साथ विश्वास योग्य रहे, मैं इनके साथ 10 दिन प्रेम किया, नहीं राजा मैं तेरे लिए 10 साल काम किया और मेरी एक गलती के वजह से तूने मुझे गिरा दिया। 10 साल में विश्वास योग्य था, 10 साल में प्रेम किया तुझसे, 10 साल में तेरे लिए सही काम किया, पर मेरी एक गलती, तूने मुझे जंगली कुत्तों के बीच में डाल दिया। राजा घुटना टेका, राजा ने, बड़ी गलती हो गई। हम में से कुछ लोगों का प्रॉब्लम जानते हैं आपका है, हम कभी कभी सिर्फ बुराई देखते हैं, और जब बुराई देखते हैं तो वो पुरानी सारी भलाइयों को हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, सारी बुराइयों भलाइयों को भूल जाते हैं। प्रियो, हमारा काम दूसरों का कमी देखना नहीं है। ये हो सकता है किसी से एक गलती हो गया, लेकिन हमारा काम सिर्फ गलती देखना नहीं है, क्योंकि अगर खुदा भी गलती देखना शुरू कर दे तो हम में से एक भी व्यक्ति आज उसके मंडली में बैठ नहीं पाता। आमीन, खुदा का धन्यवाद हो, उसने हमारा कमी नहीं देखा, उसने हमारे भलाइयों को देखा है। लेकिन मैं जानता हूं ऐसे दिन आएंगे जब हम गलती करेंगे, ऐसा दिन आएगा जब हम गुस्सा होंगे, ऐसा दिन आएगा जब हम भी कुछ गलतियों में गिरेंगे, लेकिन मैं जानता हूं उस दिन खुदा हमें तिरस्कार कर नरक की ओर नहीं लेकर जाएगा, बल्कि मुझे विश्वास है उस दिन भी खुदा इंतजार करेगा। आमीन, कि मेरा बेटा अगर वापस आए तो उसे स्वीकार करने के।